चैप्टर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 70 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। और टाइमिंग कितना है हमारे पास, 3 घंटा। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। जब 2 मोल मिथाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है सोडियम के साथ ड्राई इथर की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में इथेन बनाता है, और जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट ग्रुप में 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड बन गया। तो यह रिएक्शन है, यह रिएक्शन हमारा क्या है, ऊर्जा रिएक्शन। ऊर्जा रिएक्शन बोलता है एक का डबल, एक मीथेन है तो 2 मीथेन बन गया, ये हो गया हमारा ऊर्जा रिएक्शन। एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन करवा रहे हैं जिंक अमलगम और हाइड्रोजन क्लोराइड के उपस्थिति में, तो जिंक अमलगम का काम है कंप्लीट रिडक्शन करवाना, कंप्लीट रिडक्शन करवाना। तो CH3 C OH है, तो जिंक अमलगम 4 हाइड्रोजन दे रहा है दोस्त, तो कार्बोनिल ग्रुप को हटा दिया, कार्बोनिल ग्रुप के जगह मिथाइलिन ग्रुप को लगा दिए, तो ये बन गया हमारा इथेन, तो मेन प्रोडक्ट हो गया हमारा इथेन। जब एसिटिक एसिड प्रतिक्रिया करता है थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो मेन प्रोडक्ट में, तो ये हो गया दोस्त हमारा CH3 C OH। अब थायोनिल क्लोराइड को तोड़ें तो क्लोरीन सल्फर मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के रूप में टूट गया, तो यहाँ से बन गया मिथाइल क्लोराइड, सॉरी ये दोस्त हमारा एसिटिक एसिड CH3 C OH। थायोनिल क्लोराइड को तोड़ें तो टूट गया CLSO और CL में, अब यहाँ के बॉन्ड को तोड़ें तो एसिटाइल क्लोराइड बन गया, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड, तो मेन प्रोडक्ट हो गया हमारा दोस्त एसिटाइल क्लोराइड, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। जब इथाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करते सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल आयोडाइड बनाता, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट रूप में सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये रिएक्शन हमारा दोस्त फिनकेलस्टाइन रिएक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। जब इथेनॉल क्लोराइड प्रतिक्रिया करते हैं इथेनॉल के साथ, तो मेन प्रोडक्ट में क्या बनाता है, CH3 CH2 CO Cl, ये हो गया दोस्त हमारा इथेनॉल क्लोराइड। इथेनॉल क्लोराइड प्रतिक्रिया कर रहा है इथेनॉल के साथ CH3 CH2 OH, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। अब हम लोग के पास बच गए दोस्त CH3 CH2 C OH और C2H5, तो मेन प्रोडक्ट बन गया दोस्त हमारा इथाइल इथानोएट, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है। जब एसिड क्लोराइड में हाइड्रोजन देते हैं तब वह एल्डिहाइड बन जाता, तब वो रिएक्शन हमारा क्या है, रोजेनमोंड रिडक्शन। देखिए दोस्त ये हमारा क्या है एसिड क्लोराइड, उसमें क्या करें हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं पलेडियम की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में हम लोग के पास एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और बाय प्रोडक्ट रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये रिएक्शन हो गया हमारा रोजेनमोंड रिएक्शन। जब मिथाइल साइनाइड का रिडक्शन किया जाता है तब मेन प्रोडक्ट में, देखिए दोस्त ये हमारा क्या है मिथाइल साइनाइड, इसमें क्या किए 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए सोडियम इन द प्रजेंस ऑफ इथेनॉल की उपस्थिति में, तो 2 हाइड्रोजन कार्बन को मिला और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिला, तो मेन प्रोडक्ट में CH3 CH2 और NH2 प्राप्त हुआ, इसका नाम है दोस्त इथाइल अमाइन, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, वह कंपाउंड जो प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ मार्कोनिकोव रूल के अनुसार, ये देखिए दोस्त ये हमारा सिमेट्रिकल अल्किन है, सिमेट्रिकल अल्किन कभी भी मार्कोनिकोव रूल शो नहीं करता है, ये भी हमारा सिमेट्रिकल अल्किन, तो ये भी मार्कोनिकोव रूल नहीं शो करता है। ये हमारा ट्रांसब्यूटुइन, ये भी मार्कोनिकोव रूल है, तो ये भी
सिमेट्रिकल कार्बन शो सिमेट्रिकल है तो ये भी हमारा मार्कोनी का रूल नहीं शो करता। अब ये देखिए दोस्त सी एस थ्री है कार्बन है दो टो सी एस थ्री था लगा दिए डबल बॉन्ड है सी एस टू है तो ये हमारा मार्कोनी का रूल शो करता है क्योंकि ये हमारा अनसिमेट्रिकल अल्किन है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लुकास टेस्ट अल्कोहल के बारे में बताता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है दो मॉलिक्यूल इथेनॉल का गलत है दो मॉलिक्यूल प्रोपानोन का इथेनॉल और मिथेनॉल का इथेनॉल प्रोपानोन का ये सही है दोस्त टू मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपानोन का। जब प्राइमरी अमाइन प्रतिक्रिया करता है क्लोरोफॉर्म के साथ इथेनोलिक केओएच के साथ तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोसाइनाइड बनाता है मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। जब अल्काइल हैलाइड बदल जाता है अल्कोहल में जब अल्काइल हैलाइड बदल जाता है अल्कोहल में तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो मेन प्रोडक्ट के रूप में आर ओ एच प्राप्त होता है तो ये जो रिएक्शन दोस्तों उस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो प्रस्तुत करता है होमोलोगस सीरीज को तो होमोलोगस सीरीज को जो प्रस्तुत करता है दोस्त ये हमारा सी एन एस टू एन प्लस टू ओ यही ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। फिनॉल प्रतिक्रिया करता है ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड के उपस्थिति में तो ये है दोस्त हमारा फिनॉल और ये हमारा ब्रोमीन और ये हमारा कैटलिस्ट कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड हमारा क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट माने आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पोजिशन पर जोड़ेगा और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को एक बार पैरा पोजिशन पर जोड़ेगा तो ये दोस्त फिनॉल है। फिनॉल के ऑर्थो पोजिशन पर ब्रोमो ग्रुप जुड़ गया एक बार फिर फिनॉल के पैरा पोजिशन पर एक बार ब्रोमो ग्रुप जुड़ गया तो इसका नाम हो गया ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल इसका नाम हो गया पैरा ब्रोमो फिनॉल। तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल के पास भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो ये कम मात्रा में बनता है और पैरा ब्रोमोफिनॉल के पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा मात्रा में बनता है तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। कार्बोलिक एसिड है कार्बोलिक एसिड फिनॉल को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एल्डिहाइड देता है केनिजारो रिएक्शन तो ऑप्शन नंबर ए क्या हमारे दोस्त बेंजल डिहाइड हमारा केनिजारो रिएक्शन देता है। एक एल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हम लोग पाते हैं जो अवक्षेप वह किस कलर का है तो फेलिंग सॉल्यूशन में दोस्त हमारा वाइट कलर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में कौन सा एमिन्स है जहाँ पर एल्कोहल प्रतिक्रिया करता है नाइट्रस एसिड के साथ तो ये दोस्त हो गया हमारा एल्कोहल और ये हो गया हमारा नाइट्रस एसिड। अब दोनों आपस में रिएक्शन कर रहा है तो ये हो गया एल्कोहल नाइट्रस एसिड को तोड़े तो टूट गया ओ नो में इसको तोड़े तो एल्कोहल प्राप्त हुआ यहाँ से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और यहाँ से हम लोग को वाटर प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में कौन सा एमीन बनाता है एल्कोहल नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ये देखिए दोस्त ये हमारा मिथाइल अमाइन है इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करा रहे हैं तो ओ नो तो ये हो गया मिथेनॉल मतलब मिथाइल अमाइन से हम लोग को क्या होता है एल्कोहल प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं प्रतिक्रिया करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो वो है हमारा दोस्त ये C2H5 का होल थ्री है ट्राइथाइल नाइट्रोजन ट्राइथाइल अमाइन क्योंकि इस अमाइन के पास एक भी हाइड्रोजन एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है इसीलिए ये हिंसबर्ग रिएजेंट शो नहीं करता है। हिंसबर्ग रिएजेंट है हमारे दोस्त BSC ट्रिक है बी से हो गया बेंजीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। जब हॉट कॉपर निम्नलिखित में कौन सा एल्कोहल भाग लेता है डिहाइड्रेशन
रिएक्शन में सबसे पहले आता है दोस्त हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, फिर आता है 2 डिग्री अल्कोहल, फिर आता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल भाग लेता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन में। ये दोस्त हो गया हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। जब ये रिएक्शन करता है कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस के साथ, तब यहाँ पे डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है और अल्किन प्राप्त होता है। ट्राई अल्काइल नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों की R3N, तो नाइट्रोजन के पास एक ठो क्या है लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर 3 R, एक ठो लोन पेयर है, तो 3 + 1 4 ठो पेयर हो गया, 4 पेयर का हाइब्रिडाइजेशन हो गया SP3। 4 पेयर का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया SP3। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया SP3। अब देखिए दोस्त इसका यूपीक नेम लिखना है, तो CH3 है तो CH3 लिख दिए। फिर आगे देखिए नाइट्रोजन है, CH3 का होल 2 था तो 2 CH3 ग्रुप लगा दिए। फिर आगे बढ़े तो CH2 था और CH3 था। अब बोलते हैं इसका यूपीक नेम लिखिए, तो प्रिंसिपल चेन दोस्त हमारा 2 कार्बन का है, तो इसका यूपीक नेम हो गया NN-dimethylethanamine। इसका यूपीक नेम हो गया NN-dimethylethanamine। आओ दुरटो, अब यूपीक नेम लिखना है दोस्त, तो CH3 है, आगे बढ़े CH2 है, फिर आगे बढ़े CH है, CH के नीचे एक ठो CH3 है, फिर आगे बढ़े CO है, फिर आगे बढ़े CH3 है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो इसका यूपीक नेम हो गया दोस्त 3-methyl-pent-N-2-ol। अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइट को CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। तो ये हमारा PCC है दोस्त, PCC का पूरा नाम है पैरिडाइनियम क्लोरोक्रोमेट। ये क्या करता है कि 1 डिग्री अल्कोहल को बदल देता है हमेशा एल्डिहाइड में। तो CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये किसको क्या करेगा एल्डिहाइड में बदल देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO। तो इसका नाम हो गया दोस्त Prop2-in-1-Al। अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड को जानते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26, क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन क्या है दोस्त, लेस रिएक्टिव है क्लोरोइथेन की तुलना में, क्योंकि यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। आइसोब्यूटेन देता है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फोटोकेमिकल मोनोक्लोरिनेशन में। तो ये देखिए दोस्त, ये है हमारा आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन जो देता है मेन प्रोडक्ट में वो है हमारा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। एसिटिक एसिड के आइसोमर का नाम लिखिए और उसका यूपीक नेम भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है दोस्त, ये सब सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे करेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि एक केमिकल रिएक्शन लिखिए जिसमें आयोडाइड को हटा दिया जाता है डायजोनियम ग्रुप की मदद से और डायजोनियम सॉल्ट से, क्यों लोअर एमिन्स घुलनशील होते पानी में, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीजन जोड़ने पर वह देता है कौन सा यौगिक। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखिए NN-dimethylbutane-1-amine का, बदलिए इथेनॉल से इथैलिन बनाना है, एसिटिक एसिड से इथेनॉल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 33 बोलते हैं दोस्त कि पूरा कीजिए निम्नलिखित रिएक्शन को जब अल्काइल अमाइन प्रतिक्रिया करता है क्लोरोफॉर्म के साथ और अल्कोहल के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाता है, और जब अल्केनामाइड प्रतिक्रिया करता ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल अमाइन बनाता है। निम्नलिखित रिएक्शन को पूरा कीजिए जब प्रोपीन प्रतिक्रिया करता हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो मार्कोनी कोव रूल के अनुसार दोस्त नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम होगा,
तो इसका नाम हो जाएगा टू हाइड्रोप्रोपेन। जब एक दो तीन चार जब ब्यूट वन इन प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ परोक्साइड की उपस्थिति में, तो ब्रोमीन को वन पोजिशन पर जोड़ दिए तो इसका नाम हो गया वन ब्रोमो ब्यूटेन। बोलता है शॉर्ट नोट्स लिखिए, होफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्या है, रामेटामर रिएक्शन का नोट्स लिखिए उदाहरण के साथ। देखिए दोस्त, बोलता है कि ये खाली स्थान क्या होगा जहाँ पर ओजोन से प्रतिक्रिया कर रहा है फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, और मेन प्रोडक्ट में टू मोल ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन बनाता है। क्वेश्चन नंबर बी बोलता है दो, जब फिनोल प्रतिक्रिया करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तब क्या बनाता है, जब इथाइल बेंजीन प्रतिक्रिया करता है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट में क्या बनाता है, क्या होता है जब एसिटिक एसिड प्रतिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर बी है दोस्त, मिथाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ। क्वेश्चन नंबर सी है कि ब्रोमीन वाटर को जोड़ा जाता है जलीय घोल फिनोल में तब क्या प्राप्त होता है। बोलता है शॉर्ट्स नोट्स लिखिए, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है और केनिजारो रिएक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा 7 नंबर का है। बोलता है फिनोल से टोलविन कैसे बनाएंगे, फॉर्मलडाइड से इथेनॉल कैसे बनाएंगे, प्रोपेनॉन से प्रोपेन टूओल कैसे बनाएंगे, एसिटाइल क्लोराइड से एसीटोन कैसे बनाएंगे, ब्यूटेन वन ओल से ब्यूटेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे, एनिलेन से फिनोल कैसे बनाएंगे, इथेनामाइड से मिथेनॉल कैसे बनाएंगे। ए बी सी को आइडेंटिफाई कीजिए, मतलब पहचानिए। जब फिनाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है मैग्नीशियम के साथ ड्राई एथर की उपस्थिति में तो ए प्रोडक्ट क्या होगा, फिर जब ए प्रतिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो बी क्या होगा, और जब बी प्रतिक्रिया करता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ तो सी क्या होगा, जब मिथाइल साइनाइड प्रतिक्रिया करता है स्टेनस क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में सेकेंड स्टेप में फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते तो ए क्या बनता है, फिर जब ए डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तब बी क्या बनता है, और जब बी को हीट करते तब सी क्या बनता है, जब बेंजोइक एसिड प्रतिक्रिया करता है अमोनिया के साथ तब ए प्रोडक्ट क्या बनता है, फिर जब ए प्रोडक्ट प्रतिक्रिया करता है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में तब बी क्या बनता है, फिर जब बी प्रतिक्रिया करता है सोडियम नाइट्राइड के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में और टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस लेने पर, जब बेंजाइल फिनाइल ईथर प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तब ए और बी क्या बनता है, ये दोस्त हमारा ऑब्जेक्टिव का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में यूपेक नेम बोल रहा था, तब प्रिंसिपल चेन होगी दो कार्बन का, ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया था ये बन गया ब्रांच, तो एन पर मिथाइल एन पर मिथाइल है तो एन एन डाई मिथाइल लिख दी, दो कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया इथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए, और वन पर अमाइन फंक्शन ग्रुप है तो वन अमाइन लिख दिए, नंबर नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, नंबर और अल्फ़ाबेट है तब दूर हटो का साइन दे दिए, अल्फ़ाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फ़ाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन हमारा दोस्त एक दो तीन चार पाँच कार्बन का है, तो प्रिंसिपल चेन के ये बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच, तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन पाँच कार्बन, तो तीसरे नंबर में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं तो थ्री मिथाइल हो गया, पाँच कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया पेंट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए, दो पर ओन है तो दो ओन लिख दिए, नंबर और अल्फ़ाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए, अल्फ़ाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फ़ाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, तो विनाइलिक कार्बन के एडजेसेंट कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल को एलाइलिक एल्कोहल बोलते हैं, तो जब एलाइलिक एल्कोहल
का रिएक्शन पिराडिनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ करवाते हैं। तो मेन प्रोडक्ट में प्रॉप टू इन वर्नल प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, 1 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तब एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और विनाइलिक कार्बन को विनाइलिक कार्बन लिख दिए। एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन का रूटवर्ड हो गया प्रॉप। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन लिख दिए, 1 पर आल है तो 1 अल लिख दिए। अल्फ़ाबेट नंबर है तो दूर हटों का साइन दे दिए, नंबर और अल्फ़ाबेट है दूर हटों का साइन दे दिए, नाम हो गया प्रॉप 2 इन 1 अल। क्वेश्चन नंबर 25, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लोरोबेंजीन हमारे क्या है? लेस रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 27 में दो ठो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। देखिए दो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। जैसे अल्काइल हैलाइड है और ये हमारा सोडियम हाइड्राइड है, तो सोडियम के द्वारा हेलोजन को हटाना और यहाँ पर आयोडीन ग्रुप का आना, ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। एसिटिक एसिड का आइसोमर का नाम है दोस्त मिथाइल इथानोइट। तो आइसोमर का मतलब होता है जो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, उसको आइसोमर कहते हैं। होने वाले प्रॉपर्टीज को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये हमारे दोस्त फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, जहाँ पर कार्बोक्जिलिक एसिड बदल जा रहा है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप में। 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है। 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है। इसके पास 2 ऑक्सीजन है तो इसके पास 2 ऑक्सीजन है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों को क्या है, सेम है। तो ये आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 29, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो मेन प्रोडक्ट रूप में आयोडोबेंजीन और बाय प्रोडक्ट रूप में नाइट्रोजन और पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट में पोटेशियम क्लोराइड बन गया। अब जैसे पोटेशियम क्लोराइड बन गया दोस्त, नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो वह अनस्टेबल हो गया। तो वो क्या करता है, बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है। तेरों का हेड़े मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों डेवलप हो गया। तो बाय प्रोडक्ट में नाइट्रोजन गैस बन गया और ये आयोडीन बेंजीन के रिंग से जुड़ गया और आयोडोबेंजीन बना लिया। दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो हमारे लोअर एमिन्स होते हैं वह पानी में घुलनशील होते हैं। देखिए दोस्त, हाइड्रोजन बॉन्ड ये हो गया हमारा अमाइन और ये हो गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल। तो टू, देखिए दोस्त, ये है हमारा अमाइन और ये है हमारा वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। हाइड्रोजन नाइट्रोजन में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच 2 अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का कमजोर बॉन्ड है। देखिए दोस्त, ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यह हाइड्रोजन या नाइट्रोजन है। तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड हो गया हमारा ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये और ये दोस्त हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर बॉन्ड है, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन है CHOH। जब सेकेंडरी अल्कोहल में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तब वह देता है हमको कीटोन। तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल दोस्त, 2 डिग्री अल्कोहल का, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा कीटोन प्राप्त होता है। 2 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीजन जोड़ दिए तो कीटोन प्राप्त हो गया। यहाँ अल्काइल था तो अल्काइल ग्रुप लगा दें, यहाँ भी अल्काइल है तो यहाँ भी अल्काइल ग्रुप लगा दिए। अब दोस्त हमको इसका यूपेक नेम लिखना है। तो प्रिंसिपल चेन हमारा 4 कार्बन का है, तो एन पर इथाइल है, एन पर इथाइल है तो एन एन डाइथाइल लिख दिए। 4 कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए।
वन नंबर पर अमाइन फंक्शन ग्रुप है तो वन अमाइन लिख दिए, नंबर नंबर था तो आओ का साइन दे दिए, नंबर अल्फाबेट दूर हटो का साइन दे दिए, अल्फाबेट नंबर है दूर हटो का साइन दिए, नंबर अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इसका यूपिक नेम हो गया दोस्त एन एन डाइथाइल ब्यूटेन वन अमाइन। जब इथेनॉल का प्रतिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तब अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, तो अल्फा से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकालेंगे और बीटा से हाइड्रोजन, और आपस में दोनों को मिला दिए तब बाय प्रोडक्ट ग्रुप में वाटर निकल गया, और अल्फा और बीटा के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए तो दो कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया इथ, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इन लिख दिए, पूरा नाम हो गया इथिन। इथिन को कॉमन नेम इथाइलिन बोलते हैं। एसिटिक एसिड का रिडक्शन करवा रहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में। देखिए दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से एल्कोहल प्राप्त होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है, मिथाइल के लिए मिथाइल लिख दिए, तो दो कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड, और दो टॉक्सिन के लिए आईसी लिख दिए, एक हाइड्रोजन के लिए एसिड लिख दिए, पूरा नाम हो गया एसिटिक एसिड। दो कार्बन का रूटवर्ड हो गया इथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए, और एल्कोहल के लिए ओल लिख दिए, पूरा नाम हो गया इथेनॉल। जब प्राइमरी अमाइन प्रतिक्रिया करता क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट रूप में अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाता है, बाय प्रोडक्ट रूप में पोटेशियम क्लोराइड और वाटर बनाता है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। जब एसिड अमाइड प्रतिक्रिया करता ब्रोमीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट रूप में 1 डिग्री अमाइन सोडियम कार्बोनेट सोडियम ब्रोमाइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन का नाम है दोस्त होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट में 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड निकल गया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन से वाटर बन गया। अब बच गया जो हमारे दोस्त, वो बच गया सोडियम कार्बोनेट। जब प्रोपीन प्रतिक्रिया करता हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ये जो रिएक्शन दोस्त ये हमारे क्या मार्कोनिकोव रूल से बनेगा। मार्कोनिकोव रूल हमेशा अनसिमेट्रिकल अल्किन में होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्किन। हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़े दोस्त, प्लस और माइनस में टूट गया, तो मुझे मार्कोनिकोव ने बताया ओरो में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ा जहाँ हाइड्रोजन कम था, तो इस तरह बन गया हमारे दोस्त 2 हाइड्रो प्रोपेन। नंबर अल्फाबेट है तब दूर हटो का साइन दे दिए, 1 2 3 4, इसका नाम है ब्यूट वन इन। तो जब ब्यूट वन इन प्रतिक्रिया किया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ परोक्साइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट में 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाया। तो ये हमारे दोस्त एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन। तो आंटी कहाँ की है, बिहार की, नाम क्या है पारो, और उनका हस्बैंड का नाम क्या है अनसिमेट्रिकल अल्किन। तो आंटी है तो आगे आएगी, इसलिए ब्रोमिन को फर्स्ट पोजिशन पर लगा दी। तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन हायर प्रायोरिटी ऑफ कार्बन, तो 1 पर ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो लिख दिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन का रूटवर्ड हो गया ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए, पूरा नाम हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। जब प्राइमरी अमाइड को गर्म किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के साथ और ब्रोमीन के साथ, तब एक प्राइमरी अमाइन धारण करता है एक कम कार्बन वाला अमाइड। जब 1 डिग्री अमाइड प्रतिक्रिया करता है ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट में 1 डिग्री अमाइन और बाय प्रोडक्ट में सोडियम कार्बोनेट सोडियम ब्रोमाइड और वाटर बनता है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट में 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन से वाटर बन गया। अब बच गया दो सोडियम कार्बोनेट बाय प्रोडक्ट रूप में। डायजोटाइजेशन रिएक्शन। तो जब एनिलीन
प्रतिक्रिया करता है सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कम तापमान में, तो लो टेम्परेचर होना चाहिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। होने वाले इस रिएक्शन को डायजोटाइजेशन कहते हैं। जब एनिलीन प्रतिक्रिया करता है सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो मेन प्रोडक्ट रूप में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट रूप में सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाता है। तो हकलाती हुई नानू 0 से 5 रुपये अनिल बाबू को देती है, 1 पैकेट बीडी और 2 बोतल वाटर मंगवाती है। अब हम लोग दोस्त राइमर टाइमर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिएक्शन का मतलब हो गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो जिस तरह मौसम बदल जाता है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है। जब फिनोल प्रतिक्रिया करता है क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, फिर बाद में वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब मेन प्रोडक्ट रूप में सैलिसाइलडिहाइड बनता है। तो होने वाले इस रिएक्शन को राइमर टाइमर रिएक्शन कहते हैं। जब फिनोल प्रतिक्रिया कर रहा है क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये देखिए दोस्त क्लोरोफॉर्म यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ गया। और जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। और यहाँ पर सोडियम जाकर जुड़ गया तो बन गया ONA। और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जुड़ गया ऑर्थो पोजीशन पर, ये हमारा क्या अनस्टेबल मॉलिक्यूल। फिर जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया किया तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, यहाँ पर 2 ठो क्लोरीन है, 2 ठो सोडियम, ये 2 सोडियम 2 क्लोरीन को लेके भाग गया तो बन गया 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर जो दोस्त हमारा बन गया एल्डिहाइड, यहाँ पर ONA था तो ONA लिख दिए। फिर जब ये प्रतिक्रिया किया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल, तो बाय प्रोडक्ट रूप में सोडियम क्लोराइड बन गया। और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर OH बना लिया। देखिए दोस्त इसका नाम क्या हो गया, सैलिसाइलडिहाइड। जब फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका नाम हो जाता है सैलिसाइलडिहाइड। 2 मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सनोन, सॉरी 2 मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सनोन का रिएक्टेंट का नाम है दो साइक्लोहेक्साइल आइडीन साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन नंबर बी का देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन था हमारा कि जब फिनोल प्रतिक्रिया करता है कॉन्केचनो3 के साथ कॉन्केस्टोसो4 के उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट रूप में पिक्रिक एसिड बनता है। इसी को प्यार से 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल बोलते हैं, जिसका अवक्षेप के रूप में वाइट PPT प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर सी का नाम है दोस्त बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन रिंग से जब कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच हो तो उसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एसिटिक एसिड के पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस करता है क्लोरीन आइटम को और मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड बनाता है। तो जब एसिटिक एसिड प्रतिक्रिया करा क्लोरीन के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा कौन, अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन के पास जो अल्फा हाइड्रोजन है उसी वही हाइड्रोजन को ये क्लोरीन क्या कर रिप्लेस कर रहा है, तो बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। ये क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया तो Cl है, Cl CH2 CWH बच्चा, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा कौन, अल्फा कार्बन, तो इसका नाम हो गया अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, उसी को मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पर दोस्त मिथाइल साइनाइड बनता है। जब मिथाइल साइनाइड प्रतिक्रिया करता है पोटेशियम साइनाइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट में पोटेशियम क्लोराइड बन गया। और ये मिथाइल साइनो ग्रुप के साथ जुड़कर मिथाइल साइनाइड बना लिया। सादा अवक्षेप के रूप में 2,4,6-ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है। जब फिनोल प्रतिक्रिया करता ब्रोमीन के साथ वाटर की उपस्थिति में,
तो ब्रोमीन एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है, फिर पैरा पर, तब फिर ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है, और इस तरह 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनाता है और बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जब एक एल्डिहाइड और कीटोन धारण करता अल्फा हाइड्रोजन को और वह प्रतिक्रिया करता है कोल चाहे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल के साथ, तब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है। तो होने वाले इस रिएक्शन को कहते हैं एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल और कीटोल बनता है डिहाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकालने पर आसानी से, तहवा देता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड यौगिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ओवरऑल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए दोस्त, जब एसिटल डिहाइड प्रतिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ध्यान रहे कि एसिटल डिहाइड का 2 मोल लेना है, प्रतिक्रिया करता है तब एल्डिहाइड जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, तो इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को प्यार से एल्डोल बोलते हैं। तो एल्डिहाइड जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा जुड़ा हुआ बीटा कार्बन, तो बीटा से हाइड्रोक्सी ग्रुप लिए और अल्फा से हाइड्रोजन ग्रुप लिए, दोनों को मिला दिए तो बाय प्रोडक्ट में वाटर बन गया। और अल्फा और बीटा के बीच दोस्त यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। एल्डिहाइड कार्बन का टेनिफॉसन ग्रुप है, बोलता हम जहाँ खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। 4 कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड था, ब्यूट 2-in-1-L इसका नाम हो गया। रिएक्शन का मत हो गया दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना, तो जिस तरह मौसम बदल जाता है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है। सी का मत हो गया दोस्त रिएजेंट के रूप में कॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो ए फॉर अब्सेंस, मतलब अब्सेंस रहेगा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। तो जब एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तब उसको गर्म किया जाता है कॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब एल्डिहाइड का खुद का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन की वजह से सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एल्डिहाइड के रिडक्शन की वजह से अल्कोहल बनता है। फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो जब फॉर्मल्डिहाइड प्रतिक्रिया, जब 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड प्रतिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन किए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। अब यहाँ पर बस ये हमारा सोडियम फॉर्मेट, तो Na के लिए सोडियम लिख दिए, 1 कार्बन को कॉमन नेम फॉर्म बोलते हैं और 2 ऑक्सीजन के लिए 8, तो कॉमन नाम हो गया सोडियम फॉर्मेट। अब एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में हाइड्रोजन जोड़े तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ, 1 हाइड्रोजन तथा 1 हाइड्रोजन लगा दिए, तो ये हमारा मिथेनॉल हो गया दोस्त। जब फिनोल का रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं तो जिंक को ऑक्सीजन पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड बन गया और मेन प्रोडक्ट बन गया बेंजीन। फिर जब बेंजीन प्रतिक्रिया करता है मिथाइल क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया। तो जब बेंजीन के रिंग से मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तो उसका नाम हो जाता है टोलुइन। जब फॉर्मल्डिहाइड प्रतिक्रिया करता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो ये दोस्त हमारा अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। फिर जब ये प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में, तो मेन प्रोडक्ट रूप में इथेनॉल बनाता है। तो वाटर को तोड़ें दोस्त, H+ और OH- के रूप में टूटा, तो ये H+ इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर यहाँ OH बना लिया और ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस OH के साथ जुड़कर हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना देता है। जब प्रोपेनॉन का रिडक्शन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में, तो कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन है CHOH, यहाँ मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप लगा दिए, यहाँ मिथाइल ग्रुप था तो मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो 3 कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया प्रोप, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है तो N लगा दिए और कीटोन के लिए ऑन लगा दिए, नाम हो गया प्रोपेनॉन। 3 कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया प्रोप,
कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए, और दो पर ओल है तो टू ओल लगा दिए, पूरा नाम हो गया प्रोपेन टू ओल। अल्फ़ाबेट और नंबर है तब दूर हटों का साइन लगा दिए, नंबर अल्फ़ाबेट है दूर हटों का साइन लगा दिए। जब एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन करवाते हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तब देखिए दोस्त ये हमारा हाइड्रोजन है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। और ये एक ठो हाइड्रोजन इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़कर एसिटाइल डिहाइड बना देता है। फिर जब एसिटाइल डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं और सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ करवाते हैं एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट रूप में प्रोपेन टू ऑल बनता है। फिर प्रोपेन टू ऑल में जब ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बन जाता है। और 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, इसका नाम हो गया एसीटोन। जब ब्यूटेन 1 ऑल का रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिक मीडियम के उपस्थिति में करवाते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड और 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना, फिर एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। 3 कार्बन तो 3 कार्बन का प्रोपाइल ग्रुप लगा दिए, फांसल ग्रुप जुड़ा कार्बन हायर प्रायोरिटी ऑफ कार्बन, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तब एन लगा दिए, 1 पर ओल है तो 1 ओल लगा दिए, नाम के ब्यूटेन 1 ओल, अल्फ़ाबेट नंबर है तो दूर हटों का साइन दे दिए, नंबर अल्फ़ाबेट है दूर हटों का साइन दे दिए। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन का टेनिंग फंक्शन ग्रुप बोलता है, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है एन लिख दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को सेकेंडरी सफिक में ओइक एसिड बोलते हैं तो नाम के ब्यूटानोइक एसिड। जब एनिलीन का प्रतिक्रिया सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त है। फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते तो वाटर को तोड़ें तो H+ और OH में टूट गया, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह H+ को Cl- पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट में HCl बन गया। अब नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बेंजीन के रिंग से नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तब नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नाइट्रोजन की मुंडी पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से बाय प्रोडक्ट में नाइट्रोजन गैस बन जाता है, और वाटर का जो H+ और OH- था तो ये OH- इस बेंजीन के साथ जुड़कर फिनोल बना लेता है। इथेनामाइड से मिथेनॉल बनाना है दोस्त, तो जब इथेनामाइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तब मिथाइल अमाइड प्राप्त होता है, और जब मिथाइल देखिए दोस्त यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप हटा देंगे तो मिथाइल अमाइड प्राप्त होगा। फिर जब मिथाइल अमाइड का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं तब मिथेनॉल प्राप्त होता है, तो ये हो गया हमारा CH3NH2, और नाइट्रस एसिड को तोड़े तो O9 में टूटा, तो यहाँ से मिथेनॉल नाइट्रोजन गैस और वाटर प्राप्त हुआ, ये हो गया हमारा मेन प्रोडक्ट में मिथेनॉल। जब ब्रोमीन प्रतिक्रिया करता है मैग्नीशियम के साथ ड्राई एथर की उपस्थिति में तब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है, जब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते तब बेंजोइक एसिड बनाता है, फिर जब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ बनाते हैं तो बेंजोइल क्लोराइड बनाता है। ये देखिए दोस्त ये हमारा है बेंजोइक एसिड, इसको तोड़े तो टूट गया CH3 और Cl में, ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड, ये बन गया फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। अब मिथाइल साइनाइड को कन्वर्ट करना है ब्यूट 2-in-1-ol में, तो जब मिथाइल साइनाइड का रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड के साथ करवाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो मेन प्रोडक्ट रूप में एसिटाइल्डिहाइड प्राप्त होता है। साइनो ग्रुप को हटाओ और एल्डिहाइड ग्रुप को लाओ, मिथाइल के लिए मिथाइल लिख दिए, इसका नाम हो गया एसिटाइल्डिहाइड। फिर जब एसिटाइल्डिहाइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तब यहाँ पर एल्डिहाइड जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाला बीटा कार्बन, तब हम लोग को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है, तो बीटा से हाइड्रोक्सी ग्रुप लिए और अल्फा से हाइड्रोजन, और दोनों को मिला दिए तो बाय प्रोडक्ट में वाटर बन गया।
और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। तो एल डी आर कार्बन का टेन फंक्शनल ग्रुप है, बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। चार कार्बन के लिए रूटवर्ड होगी ब्यूट, टू पर इन है और वन पर अल है। अल्फ़ाबेट नंबर है, दूर हटो अल्फ़ाबेट नंबर, दूर हटो नंबर अल्फ़ाबेट, दूर हटो। जब बेंजो के सिर्फ प्रतिक्रिया करता अमोनिया के साथ तो अमोनिया को तोड़े दोस्त एन एस टू में एच में टूटा। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट रूप में वाटर बन गया। अब ये सी ओ ग्रुप एन एस टू ग्रुप के साथ जुड़कर यहाँ पर अमाइड बन गया। तो बेंजीनिक से अमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया बेंजामाइड। जब बेंजामाइड प्रतिक्रिया करता ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप हट जाता है, अब प्राप्त हो जाता है हम लोग को एनिलीन। और जब एनिलीन का प्रतिक्रिया सोडियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेने पर, तब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जब बेंजाइल फिनाइल ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ तब प्लस और माइनस में टूटा। यहाँ का बॉन्ड टूट तोड़ें तो मुंडी पर नेगेटिव मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज प्राप्त हुआ, तो प्लस और माइनस, तो ये माइनस इस एच के साथ जुड़कर फिनोल बना लिया और ये प्लस इस आई के साथ जुड़कर बेंजाइल आयोडाइड बना लिया।